Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about what were the conditions because of those conditions the battle of Plassey was there. किस वजह से हमारे पास battle of Plassey हुई. अब वो सारी conditions वापिस, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ शासन के अंदर interference रहा ब्रिटिशर्स का और कुछ नवाब जो मजबूत बन के उभरे थे, मुगल शासन का जब control खत्म हुआ भारत में, उसके बाद आपने देखा पहले अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला मजबूत शासक बने बंगाल में, तो इन्होंने कंपनी का जो इंटरफेरेंस था उसको कम करने का प्रयास किया और उससे द ट्रेड ऑफ कंपनी वाज इफेक्टेड, उसकी वजह से प्रभावित हुआ. सो अल्टीमेटली इट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी. उसका परिणाम क्या निकला? बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअल में हुआ क्या 1757 में हुई थी. 1756 अलीवर्दी खान की डेथ हुई, उसके बाद शासक कौन बने? सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला शासक बने. अब उन्होंने धीरे धीरे जब अपने शासन के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो कंपनी चाहती थी कि शासक ऐसा हो जो पपेट का काम करे, कठपुतली का काम करे, उनके सारे पर काम करे. और इसके लिए उन्होंने क्या, जब ये मजबूत शासक बन के उभरे और धीरे धीरे कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो कंपनी ने इनके खिलाफ कंस्पिरेंसी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि हाउ टू रिमूव सिराजुद्दौला एंड पुट ए किंग हु इज वर्क एज ए पपेट फॉर द कंपनी, की ऐसा शासक लाया जाए जो कठपुतली का काम करे कंपनी के लिए, सिराजुद्दौला को हटाया जाए. अब सिराजुद्दौला को जब इस चीज का पता चला तो उन्होंने पहले कंपनी से बातचीत की कि इस प्रकार का इंटरफेरेंस न करें, लेकिन जब इस प्रकार के प्रयास लगातार जारी रहे देन आफ्टर ही अटैक्ड द कासिम बाजार फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो कंपनी की कासिम बाजार के अंदर जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर अपने 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया. उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, वेयर हाउस को बंद कर दिया गया, जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दे वर डिसआर्म्ड, उनके हथियार छीन लिए गए और इस प्रकार उन्होंने वहां से फिर वापस मूव किया कलकत्ता की तरफ जहां फोर्टिफिकेशन किया गया था. इसमें कंपनी को साफ मैसेज दिया गया कि फोर्टिफिकेशन रोके आप, उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस न करें और रेवेन्यू पे करें. अब इसके बाद जैसे ही वो कलकत्ता के निकले तो रॉबर्ट क्लाइव को जिम्मेवारी दी गई टू नेगोशिएट विद द नवाब, की उसके साथ बातचीत करें, इस मैटर को सुलझाएं, बट अल्टीमेटली ही फेल्ड. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाई. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे अल्टीमेटली ट्राई टू कंट्रोल द एरिया थ्रू वार, युद्ध के द्वारा क्यों ना कंट्रोल किया जाए. अब उसके बाद 1757 में अल्टीमेटली ये बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ. सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, सिराजुद्दौला की हार हुई. सबसे बड़ा कारण क्या रहा सिराजुद्दौला की हार का? वन ऑफ द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला मीर जाफर, ही डिडंट फॉट द वार, जो उसका मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसने अपनी सेना को रोक लिया और युद्ध लड़ाई नहीं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई. और उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव कन्विंस्ड हिम दैट ही विल बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला की हार होती है तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा. इसलिए जो करप्शन की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी आज तक भारत में चली रही है, तो वहीं से शुरुआत हो गई थी कि रिश्वत दी जाए अधिकारियों को रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने के लिए या फिर शासन से हटाने के लिए. तो उसी प्रकार यहां भी क्या गया, मीर जाफर को उसके लिए बोला गया कि आपको नवाब बना दिया जाएगा, सहयोग न करें सिराजुद्दौला का. और वैसे ही हुआ, सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को नया शासक बना दिया गया और सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई. लेकिन इसमें भी परेशानी कहां आई कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि एडमिशन के ऊपर कंट्रोल करे, प्रशासन के ऊपर उनका सीधा नियंत्रण हो, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते थे. जब आसानी से शासक तैयार है सारी रेवेन्यू पे करने के लिए, इतना पैसा चाहिए पे करने के लिए, तो क्यों परेशानी ले हो. लेकिन तो शासक उनको परेशानी क्या आई कि दे हैव टू मेंटेन देयर डिग्निटी इन फ्रंट ऑफ देयर सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के सामने उनको भी अपने सम्मान को बनाए रखना था, सेवरिटी, कि अपने खुद का डिसीजन ले रहा है ऐसा लगना चाहिए शासक. तो जब उनको ऐसा लगा कि प्रजा है उसके सामने भी हमारा अपमान हो रहा है, कि राजा तो नाम मात्र के लिए कुछ कर ही नहीं सकता,
तो इन्होंने धीरे धीरे कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे कंपनी का विरोध किया, ही वाज डिपोर्ट, मीर जाफर को पद से हटा दिया गया एंड मीर कासिम वाज केम टू पावर। उसके बाद मीर कासिम को शासन दे दिया गया बंगाल का। सेम प्रॉब्लम अगेन अराइज अगेंस्ट मीर कासिम। मीर कासिम के सामने समस्या तो वही आई कि इतना सारा रेवेन्यू कहां से दिया जाएगा, किस प्रकार काम होगा, सारा तो पैसा ब्रिटिशर्स ले जाते हैं और प्रजा की देखभाल कैसी जिम्मेवारी, वो प्रजा की देखभाल की जिम्मेवारी तो राजा की है। उन्होंने जब कंप्लेंट करनी शुरू कर दी वापस कंपनी के पास, तो अल्टीमेटली इनको युद्ध में हराया गया 1764 में, कहां, बैटल ऑफ बक्सर एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड। मीर जाफर को वापस शासक बना दिया गया बंगाल का। लेकिन अब कंपनी को यह लगने लगा था कि हम कितना ही प्रयास करें किसी भी शासक को पपेट के तौर पर इस्तेमाल करने का, वो इस प्रकार काम नहीं कर सकता हमारी इच्छा के अनुसार। मीर जाफर को दोबारा बनाया गया तो इनको बोला गया 5 लाख पर मंथ की, 5 लाख हर महीने रेवेन्यू के तौर पर आप कंपनी को पे करेंगे, इससे कंपनी का व्यापार आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें भी उसने असमर्थता जाहिर की और कंपनी ने डिमांड और बढ़ा दी कि अभी 5 लाख में काम नहीं चल रहा है। तो उसके बाद 1765 में जैसे ही मीर जाफर की डेथ हुई, उसके बाद कंपनी ने शासन ही अपने हाथ में ले लिया, यानी नए शासक बनाने की बजाय शासन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद जो मुगल हमारे पास साम्राज्य था, शाह आलम, आपकी बुक में हालांकि मेंशन नहीं कर रखा है, 1765 में शाह आलम ने बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूर्ण अधिकार दे दिया, किसको, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। किसके द्वारा, शाह आलम के द्वारा। आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको याद रखें, 1765 में जो राइट ऑफ दीवानी लिखा हुआ है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जो लिखा हुआ, किसने दिया, शाह आलम ने दे दिया था ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब कंपनी के लिए देखो पूरी तरह से आसान हो गया काम, कैसे, यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करते, जितनी इच्छा होती कलेक्ट करते, या तो लोगों को परेशानी, उसी पैसे से पहले उनको जो व्यापार करना होता तो दे हैव टू परचेज द स्पाइसेस एज वेल एज द सिल्क और कॉटन, व्हाट एवर दे रिक्वायर्ड अगेंस्ट पेइंग गोल्ड और सिल्वर। उनको सोना और चांदी अपने यहां से लेके आना पड़ता, वो पे करना पड़ता भारत में, उसके बदले में सामान खरीदते। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे उनको रेवेन्यू का अधिकार मिल गया, वो यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करते, उसी से अधिकारी की सैलरी देते, उसी से हमारा सामान खरीदते, हमारे ही पैसे से हमारा सामान खरीदते और उसको बाहर ले जाके एक्सपोर्ट करके बेचते। तो उनके लिए सारा काम इसके बाद आसान हो गया। अब कंपनी के कुछ अधिकारी थे, ये तो था बैटल ऑफ प्लासी, जो एक्चुअल शुरुआत है भारत में शासन की अंग्रेजों की, बैटल ऑफ प्लासी से हुई, उसके बाद उन्होंने नियंत्रण करना शुरू किया था। अब इसके बाद ब्रिटेन के भी कुछ अधिकारी ऐसे, उनके मन में ये जो वर्ड था नवाब, इसी प्रकार की उनके मन में भी होता कि हम भी नवाब बने, यानी वैसी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं जो उसकी भारत में नवाबों के पास थी। तो उन्होंने धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी में रॉबर्ट क्लाइव, जिनको कि 1765 में गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, उनको जिम्मेवारी दी गई थी करप्शन कम करें, कंपनी के जो ऑफिसर हैं वो करप्शन में लिप्त हैं, उनको करप्शन कम करें। उल्टा हुआ क्या, जब वो वापस ब्रिटेन पहुंचे तो 1772 में उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे, इंक्वायरी हुई, क्योंकि उन्होंने मोर देन 4 लाख पाउंड, 4 लाख से ज्यादा उन्होंने पाउंड, जो वहां की करेंसी है ब्रिटेन की, उससे ज्यादा यहां से पैसा कलेक्ट किया भारत से। उनके खिलाफ करप्शन का केस चला, हालांकि उसके बाद केस में बरी हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया, 1774 में सुसाइड कर लिया। तो यहां से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली भी यहां से बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। ये था बैटल ऑफ प्लासी 1757। किस प्रकार की कंडीशन थी 1756 में, जैसे ही अलीवर्दी खान की डेथ हुई, हु सक्सीडेड अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इंटरफेरेंस जो कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स, उनको रोक दिया। जैसे उनको रोका तो ब्रिटिश कंपनी ने अल्टीमेटली उनके ऊपर आक्रमण किया 1757 में, और सिराजुद्दौला की हार हुई। हार का सबसे बड़ा कारण रहा मीर जाफर, जो कि उसका मुख्य सेनापति था, उसने युद्ध लड़ाई नहीं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई, सिराजुद्दौला को मार दिया गया उसके बाद, और मीर जाफर नए शासक बने। लेकिन परेशानी मीर जाफर के सामने भी आई, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी, काम नहीं करने दिया गया ढंग से। मीर जाफर ने जैसे ही कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई, उसको बैठा दिया गया, मीर कासिम को नया शासक बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम की डेथ हुई 1764 में युद्ध में, पहले तो उसको हराया गया बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि मीर कासिम में भी डिमांड वापस की, कंपनी से इतना पैसा हम नहीं दे सकते। मीर जाफर को वापिस शासक बना दिया गया, लेकिन स्थितियां नहीं बदली, कंपनी ने लगातार
रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दबाव बनाया शासक के ऊपर, और 1765 में अल्टीमेटली उन्होंने अपने हाथ में वहां का प्रशासन भी ले लिया, और उसके बाद मुगल जो शासक थे उसमें शाह आलम से दीवानी राइट्स, राइट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज टेकन इन बंगाल। ये था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि भारत में राजनीतिक तौर पर शुरुआत थी ब्रिटेन की। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।